मुरादाबाद के मंझौला थाना क्षेत्र की नया मुरादाबाद में दो दिन पूर्व एक बंद कमरे में फंदे से लटका मिला शव बरामद हुआ था। पड़ोसियों के द्वारा दुर्गंध आने के कारण सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा खोला तो अंदर युवती का शव लटका मिला जिसमें से दुर्गंध आ रही थी, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव को दो दिन पुराना बताया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू करी तो लड़की के परिजनों ने एक लड़के का नाम लेकर उस पर शक जताया था। पुलिस ने युवती के मोबाइल के आधार पर तारेश नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि तारेश और युवती काफी दिनों से लिव इन में रह रहे थे। युवती कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और युवक निजी कार्यकर्ता है। दोनों में शादी को लेकर अनबन हुई तो युवक लड़की से अलग हो गया और दूसरी युवती से शादी करने की बात होने लगी, जिससे डिप्रेशन में आकर युवती ने सुसाइड कर लिया। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि लड़के तारेश की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई। युवती तारेश के साथ शादी करना चाहती थी, इसको लेकर युवती डिप्रेशन में थी। दोनों के बीच अनबन हुई और उसने ये कदम उठाया। आरोपी तारेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। देखिए, थाना मंझौला में एक लड़की के द्वारा सुसाइड किया गया था, जिसकी डेड बॉडी दो दिन बाद में उसी के रूम में मिली थी और परिजनों के द्वारा इसमें FIR पंजीकृत किया गया था, जिसमें IPC की धारा 306 के तहत इसमें FIR पंजीकृत की गई। और उसके बाद में पुलिस ने इसमें छानबीन किया, जिसमें फिर एक व्यक्ति का नाम इसमें प्रकाश आया, तारेश नाम का। और जो लड़की का जो मोबाइल है और उसका जो बाकी जो चीज़ें हैं जब देखी गई तो ये जानकारी मिली कि लड़की के साथ में उसका लिव इन रिलेशन था और उन्हीं में आपस में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो गया था। और जो लड़का है उसकी शादी कहीं और जगह पर तय हो गई थी और लड़की उससे शादी करना चाह रही थी, तो इसी को लेकर वो डिप्रेशन में थी और इसी में उसने सुसाइड किया था। जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया है और आगे किसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, उसने उकसाया था आत्महत्या के लिए उसको, जो इस बारे में जो अभी तक की जो जानकारी मिली है कि पहले जो व्यक्ति है उसने लड़की के साथ में काफ़ी दिन से वो रह रहा था और अभी उसकी जो शादी है वो कहीं और जगह तय हो गई थी, तो इसी को लेकर लड़की ये चाह रही थी कि वो उससे शादी करे, लेकिन वो और कहीं दूसरी जगह शादी कर रहा था तो इसी से वो डिप्रेशन में थी और इसी बात को लेकर उनमें आपस में अनबन हुई और फिर लड़की के द्वारा ये कदम उठाया गया। अभी इसमें और छानबीन की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन। कब से कांटेक्ट में था, क्या नाम था, क्या काम करता था, इसमें कोई जानकारी? ये जानकारी मिली है कि जो लड़का है वो लड़की के पड़ोस का ही रहने वाला था और काफ़ी दिन से ये आपस में कांटेक्ट में थे और वो कोई प्राइवेट बिजनेस वहाँ करता है।